हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग। आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए ईएनटी स्पेशलिस्ट एट जीटीबी एनक्लेव दिल्ली इन डॉक्टर गर्ग ईएनटी क्लिनिक। आपको आज नोज़ की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि उनको नाक से बहुत ज़्यादा छींकें आती है, जैसे कि सुबह उठते उठते बहुत ज़्यादा छींकें आती है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी पानी डिस्चार्ज होता है, नाक ब्लॉकेज हो जाती है, नोज़ और आइज़ में इचिंग होती है। अगर आपके इनमें से कोई सिम्टम्स होते हैं तो ये एलर्जिक राइनाइटिस का एक संकेत हो सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस हमारी नाक की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो कि बाहर के एलर्जन के किसी भी तरह से नाक के अंदर एंटर करने से होती है। एलर्जिक राइनाइटिस में पेशेंट को चार मेन सिम्टम्स आते हैं: स्नीजिंग, नोज़ से वाटरी म्यूकोइड डिस्चार्ज, नोज़ ब्लॉकेज और इचिंग इन द नोज़ एंड आईज एंड थ्रोट। एलर्जिक राइनाइटिस एक लंबी चलने वाली प्रॉब्लम है, जो कि थ्रू आउट द ईयर भी हो सकती है और सीजनल भी हो सकती है। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस किसी पर्टिकुलर वेदर में होती है, जब किसी तरह के लाइक पोलन ग्रेन्स एनवायरनमेंट में आते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में पेशेंट को अपने एलर्जन को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर पेशेंट एलर्जन आइडेंटिफाई करने में असमर्थ हैं तो वो एलर्जी टेस्ट भी करवा सकता है, जो कि ब्लड टेस्ट भी होते हैं और स्किन प्रिक मेथड से भी किए जाते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप के एलर्जन को बॉडी में टेस्ट करके उनका पता लगाया जाता है। ज़्यादातर केसेस के अंदर पेशेंट को एलर्जी हाउस डस्ट माइट से, फंगल मोल्ड से एंड पोलन ग्रेन से या फिर डस्ट, डिफरेंट टाइप की डस्ट से होती है। अगर एलर्जन पता चल जाता है तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहता है वैक्सीनेशन, जिसको इम्यूनोथेरेपी भी बोलते हैं। इम्यूनोथेरेपी 2 से 5 साल तक चलती है और इसमें जो पेशेंट जिस एलर्जन से सेंसिटिव होता है उसी का ही एक्सट्रैक्ट बॉडी के अंदर इंक्रीजिंग डोज में दिया जाता है, जिससे बॉडी में उसकी इम्यूनिटी पावर जनरेट हो जाती है। अगर कोई पेशेंट इम्यूनोथेरेपी कराने में असमर्थ हैं तो उसको ट्रीटमेंट के रूप में नोज़ में करने के स्प्रे दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही लो डोज के स्टेरॉयडल स्प्रे होते हैं, और कभी कभी स्टेरॉयडल स्प्रे के साथ एजेलास्टिन जैसे एंटी स्टेमिनिक भी दिए जाते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, इनसे सिम्टम कंट्रोल तो होते ही हैं लेकिन बीमारी भी इनके अंदर काफ़ी हद तक रिवर्स होती है। अगर किसी के पास नोज़ के स्प्रेज नहीं हैं तो उनको एंटी स्टेमिनिक टैबलेट्स के रूप में भी दी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग पुराने टाइम के अंदर काफ़ी सेट्रिजिन वगैरह यूज़ करते थे नोज़ की एलर्जी के लिए, तो वो ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं। इससे पेशेंट का एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि उसको जो नोज़ का स्प्रे है वो दिन में एक बार और लंबे टाइम तक लेना होता है। ऐसा नहीं कि पेशेंट के सिम्टम कंप्लीट कंट्रोल हो गए 2-4 दिन में और उसको बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को एटलीस्ट 2 वीक्स टू 6 वीक्स तक नेजल स्प्रे लेना होता है। इनिशियली विद एजिलास्टिन का स्प्रे दिया जाता है, बाद में ओनली प्लेन स्टेरॉयडल स्प्रे दिया जाता है। एंटी स्टेमिनिक्स आजकल बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल है। इनके अंदर जो सबसे लेटेस्ट है वो मॉलिक्यूल है बिलास्टिन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर सिडेशन नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है इसको फूड के साथ गैप रख के मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप फूड के साथ इसको लेंगे तो इसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। और दूसरे तरह के एंटी स्टेमिनिक्स लाइक द लिवोसिट्रिजिन है, इबास्टिन है, ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। और कुछ अलग तरह की ड्रग्स जिनको जैसे कि मोंटेलुकास्ट, जो कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, वो भी एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ किए जा सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जनरली बहुत सारे केसेस के अंदर अस्थमा के साथ एसोसिएटेड होती है, तो इस टाइप की मोंटेलुकास्ट टाइप ड्रग अस्थमा के सिम्टम्स को भी रिजोल्व करने में हेल्प करती है। नेजल स्प्रेज भी अस्थमा के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम करने में काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस का आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर तरीके से इलाज कराइए और वैक्सीनेशन अगर पॉसिबल हो तो वो करवाइए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और होने वाले अस्थमा के चांसेस को कम करता है। थैंक यू।